दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F54 स्मार्टफोन को OnePlus Nord C E3 स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सैमसंग फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि Oxygen OS 13.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्ट बढ़िया है। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो सैमसंग के अंदर हमें Exynos 13805G चिपसेट दिया गया है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 782G 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दो दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है, लेकिन दोस्तों अगर आपको गेमिंग करनी है ना भाई बढ़िया वाली, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 782G वाला चिपसेट मिल रहा है जो कि बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई बढ़िया वाली फोटो आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरह से दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप ने डिटेलिंग्स को कैप्चर किया है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों फोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की, तो सैमसंग के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सेल्फी फोटोज के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको 4K में वीडियो बनानी है ना वो भी फ्रंट कैमरा से, तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सैमसंग फोन के अंदर हमें 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डिसीजन दोस्तों आपको लेना कि आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला। और यार रुकिए एक जरूरी बात बताता हूं, सैमसंग बेशक 25 वॉट का सपोर्ट दे रहा है लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा भाई, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर दोस्तों हम बात करें स्पीकर्स की, तो सैमसंग फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए सैमसंग के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि सैमसंग फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों वैसे तो यहां पर भाई दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सैमसंग का फोन चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप OnePlus लवर हैं तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।